खबर उत्तर प्रदेश से। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी ने दो लड़कों की जोड़ी राहुल और अखिलेश पर हमलों की बारिश कर दी है। यूपी बीजेपी की सबसे बड़ी कार्यकारिणी में लोकसभा हार पर मंथन हो रहा है। बैठक की शुरुआत में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए कहा कि कांग्रेस अखिलेश को जल्द ही निपटा देगी, मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी करेगी। भूपेंद्र यही नहीं रुके, राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला, उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया, मतलब हिंदू विरोधी बताया। बीजेपी ने यूपी में संविधान के साथ मैदान में उतरने का प्रण लिया। दलित और ओबीसी वोट को खींचने के लिए शिवाजी और ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाने का प्रस्ताव रखा गया। राहुल ने, कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वार्थ ठीक हो उन सभी पार्टी को रसदताल में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के वोट भले ही उन्होंने लेने का प्रयास किया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन सहन, अपराध केंद्र राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग से ही मान्य लोहिया जी की आत्मा भी विलाप कर रही हो। कभी कांग्रेस ने अपने संगठन में चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं समझा। बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट सदस्य का होने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने सदैव जीते जी बाबा साहब का अपमान किया और मरणोपरांत भी उनका सम्मान नहीं किया। हमारी सरकारों ने बाबा साहब से संबंधित पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब का सम्मान हमारी सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा शुरू की है, जो कांग्रेस अपने लिए सत्ता के 50 वर्षों में नहीं कर सकी। बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम भी गैर कांग्रेस पार्टी ने किया। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि उपचुनाव के नतीजे जनता के इरादे को जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना है कि कैसे हारे, कैसे उत्तर प्रदेश में आधी से भी कम सीट रह गई, कैसे जनता ने नकारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चिंता भारतीय जनता पार्टी को अपनी करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी जी वो समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य समिति में अपने मुद्दों पर बात करे। समाजवादी पार्टी जनता के साथ मिलके, इंडिया गठबंधन के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भी हराने का काम करेगी। चलिए तो आप सभी को लखनऊ ही लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार, इस कार्यकारिणी की जो बड़ी बातें हैं, किन मायने में ये बैठक महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके पहले उपचुनाव के लिहाज से क्या बड़ी बातें, ये सब कुछ बताइए। देखिए आशुतोष, इसका राजनीतिक प्रस्ताव बहुत अहम है और राजनीतिक प्रस्ताव में हार के कारणों की समीक्षा भी की गई है और कहा गया है कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो 8,500 रुपये खटाखट लोगों के अकाउंट में डालने की बात कही थी, ये उनके हार की मूल वजह है। ये बकायदा उस राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है। दूसरी बात, राजनीतिक प्रस्ताव से अब एक बात और निकल रही है, वो ये कि बीजेपी आने वाले वक्त में अग्रेसिव दलित और ओबीसी कार्ड खेलने जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने एक हाथ में संविधान की बात की है और अपने जो शीर्ष महापुरुष हैं उसमें उन्होंने अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया है, ज्योतिबा फूले का नाम लिया है कि इन दोनों के नजरिए के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन
आज वो दो बड़े नेताओं ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। और दूसरी तरफ केशव मौर्य ने भी कहा है कि सरकार से पहले उनके लिए संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम बातों को इसमें समेटा गया है। लेकिन एक बात, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ज्यादा ये हंगामेदार हो सकता है, तो हंगामेदार वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन हर वक्ता ने अभी तक जितने लोगों ने बोला है सबने कार्यकर्ताओं की बात कही है, क्योंकि नाराजगी कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर के जो उनके पदाधिकारी हैं उनमें काफी ज्यादा दिखाई दी है, और राजनीतिक प्रस्ताव में इसे ही एड्रेस करने की कोशिश की गई है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोनों डिप्टी सीएम बोल चुके हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आखिर में जेपी नड्डा बोलेंगे और उनके पहले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन अब ये कहा गया है, जैसे केशव मौर्य ने ये कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आया है अब उसे सिरोधार्य कर उसको भूल कर आगे बढ़ने का वक्त है, और 2027 में 300 पार जाना है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं के मन में क्या है उसको एड्रेस किया जाए। राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बहुत कुछ बदलेगा और आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखना है कि जब आखिर में जेपी नड्डा बोलते हैं और मुख्यमंत्री बोलते हैं तो उस पर क्या निकल करके आता है। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आएगी अभिषेक, तो अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और अभी हमने देखा कि 13 में से 10 कांग्रेस इंडिया अलायंस के गठबंधन ने जीता, उसमें टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है और बाकी, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें हैं जबकि 1 निर्दलीय, यानी कि बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए। तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में अब है, तो इसको लेकर क्या रणनीति? बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट होगा योगी सरकार का। देखिए, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठे, उनके अखबार पर भी सवाल उठे कि आखिर बीजेपी 64 से 33 पर कैसे आ गई। लेकिन अब ये 10 उपचुनाव है, 10 विधानसभा के उपचुनाव है, और यहाँ एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और सरकार का संगठन का टेस्ट होने जा रहा है। तो इसकी तैयारी अब, चूंकि 2027 के पहले ये सबसे बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि बीजेपी इन उपचुनावों को लेकर काफी गंभीर होगी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज के इस कार्य समिति के पहले सभी मंडलों की समीक्षा की है, सभी विधायकों से मुलाकात की है, छोटे बड़े सभी नेताओं से मिल रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के मंत्री तक, ऐसे में ये चुनाव उनके लिए सबसे अहम होने वाला है। हालांकि जिस तरीके से बात कही जा रही है कि 4 जून को भूलने का वक्त है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, यानी कि जिस दिन नतीजे आए उसके बाद से आगे बढ़ने का वक्त है। तो पहला जो उपचुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी महज 10 सीटें जीती है, 2 सीटें जीती है 13 में, अब 10 में कितनी जीतेगी ये इस पर बड़ी नजर रहेगी, और तमाम विपक्षी पार्टियां भी उसी उपचुनाव पर नजर गड़ा कर बैठी हैं। कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए।